नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक बार स्टैंडर्ड कैपिटल की। जी हाँ, बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे कि क्या इसमें चल रहा है सर, क्या टारगेट हो सकता है, तो उस पर तो हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर फ्लैश मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड ने 2,94,80,306 शेयर्स को सेल किया है। तो क्या कुछ न्यूज़ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और काफ़ी टाइम से अपने कंसोलिडेशन वाले फेज में दिख रहा है शेयर आपको, तो यहाँ पर क्या लेवल्स निकल कर आ सकते हैं लास्ट में हम लोग देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। कल मैंने GTL इंफ्रा पर वीडियो डाला है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप गाइस क्लियर कट देख सकते हैं, 23 अप्रैल 2024 से 4 जून 2024 के बीच में डिस्पोज किए गए हैं शेयर कितने, 2,94,80,306 शेयर डिस्पोज करे गए हैं। और ये सब गाइस देखिए, ये कोई कंपनी के लोग नहीं है, यहाँ पर जो पब्लिक जिनके पास शेयर होल्डिंग रहती है, शेयर लेके रखे रहते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है शेयर्स को सेल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ESM की स्टेज वन में है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी का मार्केट क्या है, 500 करोड़ से छोटा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितना छोटा मार्केट कैप उतनी ही ज़्यादा रिस्की कंपनी। और यहाँ पर जैसे ही 5 से 6 अपर सर्किट लगे अगर, वैसे इसको ESM की स्टेज टू में डाल दिया जाएगा और वहाँ पर पीरियोडिक कॉल ऑक्शन शुरू हो जाएगा PCA, और फिर शेयर को बेच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर 1.55 रुपये पे क्लोजिंग दी है, 0.64% डाउन। अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 5% का आपको देखने को मिलता है। मार्केट कैप देखिए 228 करोड़, देखिए वहाँ पर इसीलिए वो ESM की स्टेज टू में था, और ये ESM की स्टेज इसीलिए लाई गई हैं जो कंपनियाँ मार्केट कैप, जिन कंपनियों का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है और जहाँ पर ऑपरेटर्स खूब सारे एक्टिव रहते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ROC 8.18 बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, ROE भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, 6.88। प्रमोटर होल्डिंग 17.7% के आसपास है। डेट देखिए अच्छा खासा है, 248 करोड़, मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, जो कि डेट टू इक्विटी भी बनाता है 1.54, एक से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिस्की है बहुत ही ज़्यादा। इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी है 1.37 रुपये और 1.55 रुपये इसका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू 1.10 रुपये, यहाँ से आप देख सकते हैं 1.55 रुपये इसका करंट प्राइस। 1.16 रुपये का लो लगाता है, 3.5 रुपये का लगभग हाई लगाता है, और फिलहाल अभी 1.55 रुपये पर चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर आप देखिए धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, 21.78 थे यहाँ पर, फिर यहाँ पर तो 8 रह गए थे, फिर 18 हुए December 22 में, फिर 17, 17, 17, 81, 17, 74। बाकी जो मामला है देखिए पब्लिक के पास है 82.27%, तो जितना ज़्यादा मामला पब्लिक के पास होगा उतना ज़्यादा रिस्क आपके पास होगा, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, अब धीरे धीरे नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए मार्च में कितने अच्छे खासे हो गए यहाँ पर, 46,516। यहाँ पर रिटर्न्स की बात करेंगे तो देखिए हर जो फेज़ है वहाँ पर, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का, चाहे 1 साल, अच्छा खासा यहाँ पर इसने आपकी कैपिटल को कम कर दिया है, लेकिन 3 साल के पीरियड में अभी भी 3800% के रिटर्न दे रखे हैं इसने। ये देखिए 71 लाख शेयर उठाए गए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि शुक्रवार को, उससे पहले वाले सेशन में 26 लाख शेयर उठाए गए हैं। 1 वीक का एवरेज 37 लाख है और 1 मंथ का एवरेज आपको 30 लाख देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इस काफ़ी टाइम से आपको ये कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है, और 1.50 रुपये एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर वो टूटा तो फिर फर्दर आपको 1.20 रुपये और 1 रुपये के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और एक बार अपने तीनों EMAs के ऊपर निकलता है, 2 रुपये के ऊपर जब निकलता है तो फिर आपको फर्दर मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। देखिएगा एक चीज़ मैं आपको हर अपने वीडियो में बताता हूँ, मैं देखिए जो रिटेलर्स होते हैं ना, और ख़ास तौर से जो नए रिटेलर्स होते हैं जो नए नए शेयर मार्केट में आए, वो पैनी स्टॉक की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। उनको लगता है कि भाई 1 रुपये का स्टॉक है, 1.5 रुपये का स्टॉक है, इसको ले लेते हैं और काफ़ी सारी कैपिटल लगा देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए, शेयर की प्राइस, शेयर की कीमत चाहे 1 रुपये हो और चाहे क्या कहते हैं 1,000 रुपये हो, वो परसेंट में आप देखा करिए, यहाँ पर अगर ये 5% बढ़ेगा तो भी उतना ही बढ़ेगा, उतना ही आपको कैपिटल पर रिटर्न आएगा, और ये 5% बढ़ेगा तो भी उतना ही रिटर्न आएगा आपकी कैपिटल पर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। लोग पैनी स्टॉक की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर होते हैं, भागते हैं, मैं इसीलिए बहुत सारे पैनी स्टॉक पर वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है पैनी स्टॉक की, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, फंस जाते हैं, पंप एंड डंप किया जाता है यहाँ पर, ऑपरेटर्स अपना खेल करते हैं, तो इसीलिए मैं कई सारी कंपनियों से डाटा, मतलब कई सारी
साइटों से डाटा लेके आता हूँ आपके लिए और आपके सामने रखता हूँ ताकि आप खुद उस इन सब चीज़ों का आकलन कर पाएँ। स्टैंडर्ड कैपिटल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने इसका कंप्लीट एनालिसिस भी किया है। आपने ये वीडियो देखा, यहाँ पर मैंने कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया है, तो अगर आप मेरे रिसेंट वीडियोस में जाके देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अगर कमेंट में कहेंगे तो मैं लेटेस्ट एक कंप्लीट एनालिसिस वाला वीडियो इसके लिए बना दूंगा ताकि आपके कोई डाउट हो तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ गाइस, ये वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई मत करिए, हमेशा आपको सलाह लेनी चाहिए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।